अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन रोस्ट विद पोटैटो की रेसिपी को शेयर करूंगी, तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद होल चिकन ले ली है, जो 1.5 से 2 किलो के दरमियान है, और साथ में मैंने 4-5 आलू लेके इस तरह से कट कर लिए हैं। आप अपनी मनपसंद शेप में उसे कट कर लें, और इसके अलावा जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती चली जाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने आलूओं को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें तकरीबन मैं 1.5 टेबल स्पून जितना इसमें मैं शामिल करी हूँ ऑयल। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे। थोड़ी सी रेड चिली शामिल कर दूँगी, गार्लिक का पाउडर, जिंजर पाउडर, और ये थोड़ी सी हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, और सॉल्ट जो है टू टेस्ट। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिला लेते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश जो है मेरे पास रोजमेरी है, थोड़ा सा हम इसमें यूज़ कर लेते हैं थाइम, और थोड़े से हम डालेंगे पार्सले और ऑर्गेनो को, और जो है इसको अच्छा सा मिक्स करके और इसको हम रख देते हैं एक साइड पे, और मैं अब आपको आगे चिकन मैरिनेट करना वो बताती हूँ। अब मैंने ले ली है 1 कप जो है, ये मेरे पास है सफ़ेद चने, जो नमक डाल के मैंने सिंपल इसको उबाल लिया हुआ है, और इसमें मैं शामिल करूँगी ये रेड चिलीज हैं, आप इसकी जगह ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, 2-3 लहसुन के जगह ये मैंने बारीक कट किया हुआ है। फ्रेश जो है मेरे पास रोजमेरी है, और थाइम है, पार्सले, ऑर्गेनो और ब्लैक पेपर, तो इसको जो है मैं इसमें शामिल कर दूंगी तमाम चीज़ों को, और इसको जो है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल भी हम शामिल कर देते हैं, तो ये 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करके इसको भी मैं एक साइड पर रख लेती हूँ, और मैं अब आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप बटर ले लिए है रूम टेम्परेचर में, इसमें फ्रेश थाइम, और मैं इसमें डाल दूंगी रोजमेरी, और इसके अलावा जो है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून रेगुलर चिली है रेड चिली, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पाउडर, और 1 टेबल स्पून जो है ये अदरक का पाउडर है, और साथ में इसमें 1 टीस्पून जितना मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपने बटर में मिला लेंगे, और इसके अलावा जो है इसमें ऑर्गेनो डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और साथ ही 1 टीस्पून जितना मेरे पास ड्राई पार्सले है तो मैं इसको शामिल कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। और इन तमाम चीज़ों को हम बटर के साथ जो है अच्छा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमने चिकन को ले लिया है, और इसकी स्किन को उठा के जो बटर में हमने तमाम मसालों को मिक्स किया था इसको इसकी स्किन में डाल के, और इसको अच्छा सा स्किन के अंदर इस तरीके से खिला देंगे इस बटर को, कि अच्छा सा तमाम मसालों के साथ हमारे चिकन के अंदर चला जाए। तो इसको मैं अच्छा सा इस तरीके से लगा लेती हूँ, ये आप देखें इसी तरह हम इसको लेग्स में भी डाल रहे हैं, और इसी तरह जो है इसको और इस तरफ करके दूसरी लेग की तरफ भी हम इसको इस तरह जो है अच्छा सा इस बटर को लगा लेते हैं। ये हमने अपने चिकन पे अच्छी तरह से बटर को लगा लिया है, और थोड़ा सा बटर जो है इसको हम अंदर चिकन के भी लगा देंगे अच्छा सा चिकन के सारी तरफ, ये हमने इसको लगा दिया है। और अब हमने जो चनों को मैरिनेट करके रखा हुआ था उस चनों को हम अपनी चिकन के अंदर शामिल कर देते हैं, डाल देंगे। तो ये तमाम चने जो हैं इसको हम चिकन के अंदर भर देते हैं इस तरीके से, इसको मैं अंदर भर के और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब एक प्याज लेके उसको भी हम चिकन के अंदर इस तरीके से मैं इसको भी रख दूंगी, और अब हम चिकन को बांध लेते हैं। अब एक बेकिंग थ्रेड की मदद से
हम चिकन को बंद कर लेते हैं। तो इसको जो है इस तरीके से मैं पैक कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको पैक कर लें। इस ब्रेड को इस तरह से घुमा के ले आए और इसको कर लें अप टाइट और इस तरीके से नेक के गिर्द इसको ले जाके इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा टाई यहाँ पे। और ये हम इसकी बना देते हैं इधर बो और ये इसके विंग्स को यूं कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा चिकन जो है ये पैक हो गया है कुक होने के लिए। अब मैं इसको डिश में लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है जिसमें जो है हम आलूओं को डाल देते हैं और इस तरीके से हम इसको फैला लेते हैं और साथ ही जो हमारे थोड़े से चिक पीस बच गए थे इनको भी आलूओं के साथ ही शामिल कर देते हैं। इस तरीके से डाल देते हैं सारी जगह और अब हम इस चिकन को जो ब्रेस्ट का साइड है वो ऊपर रखेंगे और अब इसको जो है तकरीबन मैं बेक करूंगी 385 पे 1 आवर के लिए। आप जो है अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से इसको बेक कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए बेक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे 1 घंटा और 30 मिनट लगे हैं इसको बेक करने में और ये हमारी मज़ेदार चिकन रोस्ट हो चुकी है पोटैटोज एंड चिक पीस के साथ। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चिकन विद चिक पीस एंड पोटैटोज बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।